Assalamualaikum everyone, this is Hamad and you are watching Technical Hamad. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यार M3 बैंड के बारे में जो आजकल काफ़ी फेमस हुआ हुआ है. तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ये कैसा है, इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे और इसको कैसे मोबाइल से कनेक्ट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो यार ये रहा M3 बैंड का बॉक्स, पहले इसको ओपन कर लेते हैं फिर इसके बारे में बात करते हैं. ये रहा जी M3 बैंड और इसको मैंने द्रास से ऑर्डर किया था, तो यार ये मुझे 800 के करीब पड़ा था. तो इसको ऑन करके देखते हैं, ये वाइब्रेट हुआ, ऑन हो गया, ये ऑन हो गया, टाइम शो कर रहा है. उसके बाद इसके अंदर फुट स्टेप बता रहे हैं ये, फिर लोकेशन की है, फिर कैलोरीज का है, फिर हार्ट बीट ये चेक कर सकते हैं इसमें, और ये है जी ब्लड प्रेशर. ये रहा जी, अगर आपका फ़ोन कहीं पर पड़ा हो और आपको मिल ना रहा हो तो आप जब इसको डुबाएंगे तो जब हम लोगों ने मोबाइल के साथ ही कनेक्ट किया होगा तो आपका मोबाइल के ऊपर रिंगटोन बजना शुरू हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल कहाँ पर है. और ये रहा जी इसके बारे में कि ये क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं. और ये रहा जी, जब आपने इसको यूज़ नहीं करना तो आप इसको ऐसे प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा. ठीक है जी, चलें आप इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं. तो यार इसको मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए आपको पहले एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम लीफ वन है. मैं आपको वो दिखा देता हूँ, आप प्ले स्टोर पे लिखेंगे लीफ वन तो ये ऐप आपके सामने आ जाएगी. ये देखिए मैंने लीफ वन लिखा हुआ है, LEFUN, ये लीफ वन हेल्थ के नाम से ये ऐप का नाम है. ये मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई ऐप, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा. इसको ओपन कर लेते हैं. अब इसको कनेक्ट करने के लिए आपने इधर जाना है और ये डिवाइस नेम कनेक्शन के नाम से जो पहली ऑप्शन होगी आपने उसको क्लिक कर देना और ये कनेक्ट हो जाएगी. ये अलाउ कर देना इसको, रिटर्निंग ऑन ब्लूटूथ थोड़ी इसके साथ कनेक्ट हो गई है, अभी हो रही है, हो ये कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया. तो ये इसके अंदर जो सेंसर दिए हुए हैं हार्ट बीट चेक करने का और ब्लड प्रेशर चेक करने का, वो चेक कर लेते हैं कि वो असल में काम करते हैं कि नहीं. ये रहा भाई हार्ट बीट का, इसको चेक कर लेते हैं. ये नीचे से जो लेज़र निकल रही है आपने इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ उंगली रखनी है और ये चेक करना शुरू हो गया. और ये आपको बताइएगा कि आप किस वक्त कितनी चल रही, क्योंकि एक वक्त पे एक ही हार्ट बीट नहीं रहती, चेंज होती रहती है. बाकी ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं. जी मेरा आया है 118 और 76. तो ये दो इसके अंदर सेंसर लगाए हुए हैं. और अगर हम लोग इसकी थीम्स की बात कर लें तो इधर आपको तीन थीम्स देखने को मिल जाएंगी. एक जो इसकी डिफ़ॉल्ट होती है मैं आपको दिखा देता हूँ. ये जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये पहली थीम होगी. आपने इसको सिर्फ और सिर्फ ये जो टच पैड है आपने इसको दबा के रखना, ये चेंज होगी थीम. दोबारा आप इसको दबा के रखेंगे ये दोबारा चेंज हो जाएगी थीम. और फिर जब दोबारा दबा के रखेंगे तो एक और दफ़ा चेंज हो जाएगी. ये तीन थीम्स हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं. तो यार जब एक दफ़ा ये आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगी उसके बाद आप अपनी हार्ट बीट इधर से मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं. जैसे ये अभी मैं स्टार्ट करूँगा तो इधर खुद ही इसका सेंसर ऑन हो जाएगा. यानी स्टार्ट किए ये इधर सेंसर ऑन हो गया होगा. ये हो कैलकुलेट होना शुरू हो गई. ये देखें 80 हार्ट बीट इधर भी और उधर भी 8. इसी तरह हार्ट बीट की तरह आप ब्लड प्रेशर को भी मोबाइल से चेक कर सकते हैं. ये इसे नीचे वाली ऑप्शन ब्लड प्रेशर की है, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उधर सेंसर ऑन हो जाएगा. ये सेंसर ऑन हो गया, आपने अपनी फिंगर इसके नीचे रखनी सेंसर के, जो यहाँ पे लेज़र लाइट निकल रही होती है. ये भी कैलकुलेट हो रहा है और ये हो. तो यार अक्सर औकात होता है कि अपना मोबाइल रखकर भूल जाते हैं, तो तब भी कोई टेंशन नहीं है. जब आपके पास ये होगी
अब इसको आपने ऑन करना है। यहाँ पे फाइंड फोन की एक ऑप्शन होगी, आपने उधर जाना है। ये रही, अब आपने ये फाइंड फोन को दबा के रखेंगे तो आपके मोबाइल पे अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। ये देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी, ऐसे करके ये अलार्म बजना शुरू हो जाता है और आपको अपने मोबाइल का पता चल जाता है। तो दोस्तों ये थी M3 बैंड के ऊपर वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको सारे फीचर्स समझ आ गए होंगे। तो यार अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।